हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है आपकी पर्सनल रीडिंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो टॉपिक है, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपकी पर्सनल रीडिंग है, ठीक है? देखने की कोशिश करेंगे कि आपसे कितना रेजोनेट करता है, आपकी लाइफ से कितना रेजोनेट करता है, आपके बारे में जो चीजें यहाँ पर निकल रही है, आपके सवालों के जवाब आपको मिल पा रहे हैं या नहीं, उन चीजों की तरफ हम फोकस करेंगे कि आपकी पर्सनल रीडिंग यहाँ पर हो रही है। ओके डियर, और अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर बताना चाहते हैं, इसीलिए ये रीडिंग जो है आपके सामने आई है। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। शफलिंग हो रही है डियर, आप फोकस करें यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, कि आपकी पर्सनल रीडिंग में क्या निकलता है, कितना आपसे रेजोनेट करता है। रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और डियर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सनल रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है, क्या बताने वाले हैं डिवाइन। ओके ओके, शफलिंग बहुत अच्छे से हो गई है डियर। ओके प्लीज यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज। ओके, सबसे पहला ही कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रही है। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी आती है, पर वही है ना कि सक्सेस नहीं मिल पाती है। आता तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में कि भाई आपको तरह तरह की चीजों को भाग लेने का मौका मिलता है, पर वो चीज है ना कि आप ले नहीं पाते हो, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अकेले में बहुत सोचते हो आप, बहुत ज्यादा अकेले हो गए हो, और यहाँ पर किसी तरह की उलझने, किसी तरह के प्लानिंग में फंस चुके हो। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनकी पर्सनल रीडिंग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि आप अपने प्यार को लेकर, आप उनको प्रपोज करने के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा अकेलापन आपको अभी महसूस हो रहा है, किसी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई फाइट वाला सिचुएशन चल रहा है, और किसी तरह की कम्युनिकेशन भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। कुछ बातों को लेकर वाद विवाद भी चल रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोग जो हैं अपने दायित्व को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज्यादा बर्डन उनको फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पर जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे उठा लीजिएगा और बाकी को स्किप कर दीजिए। यहाँ पर टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक ऐसा टावर मूवमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसी ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है? लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनल रीडिंग में यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी दिक्कतें चल रही है, उसमें जस्टिस का कार्ड आ चुका है, और ये जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ जो है उसमें न्याय होने वाला है, ठीक है? न्याय की चीजें यहाँ पर निकल रही है, और यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर हमारे पास में हैंगमैन की एनर्जी है डियर, आपके सामने है हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डेथ, ठीक है? तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चेंज, सबसे पहले ही मैं आपसे बोल दूंगी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी बता रही है कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको अगर किसी तरह का कोई हेल्थ इशू था, तो वहां मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम से जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिखाई दे रही है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में, जिसके कारण आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई हेल्थ इशू आपको बहुत लंबे समय से था, और वो अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक होता हुआ दिख रहा है, कि जो भी हेल्थ इश्यू से उससे आप बाहर निकलोगे और आपके लाइफ में अब वो प्रॉब्लम जो है कम होने वाली है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, है ना, कि आपकी अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब चीज ठीक हो रही है, तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दें, है ना। समय पर सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है? इग्नोर करके सबकी जिम्मेदारियों को लेकर बैठ जाना, ये कहीं
मायने नहीं रखता है। जैसे कि ये कार्ड बता रहा है कि आप क्या करते हो, अपने हेल्थ को नहीं देखते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों में ऐसे चले जाते हो, ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो, चाहे अपने दायित्व हो, चाहे आपकी अपनी जिम्मेदारियां हो, जो भी हो, उनके प्रति आप इतने ईमानदार हैं, इतनी लगन से काम करते हैं कि आप अपने हेल्थ को देखते ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कौन सा हेल्थ इश्यू आया है। तो ये चीजों के कारण आपने बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं अपने आप में बीमारी पाई है, बहुत ज्यादा। ये देखिए, आइसोलेशन में भी रहे हैं कई लोगों की, ऐसा बेड पे रहना पड़ा है और बेड रेस्ट आपको डॉक्टर ने कहा था। मेंटली भी आप थोड़ा डिस्टर्ब रहे, फिजिकली भी आपकी लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्थ इश्यू रहा है आपकी लाइफ में। अपने दायित्वों को निभाना जरूरी है, पर इतना ज्यादा अपने ऊपर लापरवाही करना कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना ध्यान देना और अपने हेल्थ को ना देखना, ये गलत चीजें हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि भाई अपनी हेल्थ को भी मायने दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जिम्मेदारियों को लेकर बैठ जाएं, ऐसा गलत होता है। आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव जब आप करोगे, अपने आप से जब आप प्यार करोगे ना, तो चीजें जो है काफी हद तक ठीक होने लगेगी। आप बहुत बड़ी बीमारी से बचे हो डियर। आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारी हुई थी जहां पर लाइलाज बीमारी थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ तो करिश्मा हुआ है जहां पर आप बहुत लंबे समय से बीमार थे। अब यहाँ पर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आपके अंदर चीजें जो है वो सही हुई है। आपकी एनर्जी किसी के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पर आप अपनी लाइफ में किसी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी से प्रपोजल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान जो है आपको कमिटमेंट दे, आपको प्रपोजल दे, या फिर आप किसी को प्रपोजल देना चाह रहे हैं, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ ऑफर लेके आए, एक ऐसा ऑफर जो बहुत ही सुनहरा हो, जिसको आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ऑफर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप चाहते हो कि किसी के तरफ से आपकी तरफ बहुत अच्छा ऑफर आए और आप उसे एक्सेप्ट करो। अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर ये दो जो पार्टनर हैं, ये जो पार्टनर है ना, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। देखिए ना, अपना कप लेकर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, अपना प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको ये अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हो आप या आपके पार्टनर, वो वाली चीज दिखाई दे रही है। परेशान ना हो, सब ठीक होगा डियर। आप लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है अभी फिलहाल, आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये बात पे ध्यान दीजिए कि चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, सब ठीक होगा, ठीक है। सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आया है और जस्टिस ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ पर जब आप सरेंडर कर देंगे तो डियर चीजें जो है अपने आप में सही हो जाएगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग जो हो रही है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती जा रही है। आपके जो सवाल है, हो सकता है उनके सवालों का आंसर भी आपको यहाँ से मिलता चला जाए, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को लगता है कि ये नो कॉन्टेक्ट जो है कब तक खत्म होगा, कब तक आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। तो डियर, यहाँ पर जो भी नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर जो हैं आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको ऑफर दे सकते हैं किसी तरह का, और ये जल्द होने वाला है। जल्द आपसे ऑफर आपको दे सकते हैं आपके पार्टनर। आपको यहाँ पर जो मैनिफेस्ट करना है ना, वो मैनिफेस्ट करते रहिए, या जिस भी तरह का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और डियर, वो हो जाएगा,
जाएगा। सही चीजों को मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, जो बोल रहे हो ना आप, आजकल वही चीजें हो रही है। हो सकता है कि आप सिर्फ मन में सोचते हो और ड्रीम्स करते हो कि यार ऐसा हो जाए, और आपको पता है कि आप जो जो सोच रहे हो ना वो होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है ना, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनके तरफ से एक अनमोल तोहफा आपको मिलेगा डियर। तो कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जो एक अनमोल तोहफा आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो वो चीज दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ तो अनमोल आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे ये लग रहा है कि जो आप मांग रहे हो ना, कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर कई लोग ये चाहते हैं कि भाई आपके पार्टनर जो है उनके अंदर बदलाव आए, चेंज आए। कई लोग तो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है, जिसमें इतना स्ट्रगल चल रहा है, इतना जगलिंग चल रही है, इतना ज्यादा कन्फ्यूजन है, फिर कई लोग चाहते हैं कि ये जिंदगी जो है इसमें से ये कन्फ्यूजन, ये स्ट्रगल, ये कन्फ्यूज वाली एनर्जी जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर चेंज चाहते हैं कई लोग अपनी लाइफ में, बदलाव चाहते हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में आगे सोचते हैं कई लोग। तो आप लोगों में से कई लोगों की एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि जो चाहोगे वो पाते चले जाओ। ऐसी एनर्जी आपकी है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जिसको भी बारे में आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं पूरे होते चले जाए। आपको गाइडेंस भी मिलेगी डियर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की गाइडेंस आपकी तरफ बढ़ रही है। हो सकता है कि इस गाइडेंस की वजह से आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला है। आप उनके साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपको बता रहा है, उस इंसान के साथ में आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। और आपके मन में दुविधा जो है ना, जो सवाल है, उनके आंसर आपको अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपके जो गाइडेंस कर रहा है जो आपको, वो उनसे आपको किसी तरह का जवाब मिले आपके जो भी सवाल है, या फिर आपके इंट्यूशन आपको उस तरह से गाइड करेगा। वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में कुछ लोग हैं डियर यहाँ पर जो आपको अकेला करना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं इन्वॉल्व जो कहीं ना कहीं आपके पीछे गॉसिप करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, जलते हैं आपसे। कोई तो है जो ज्वेलस है, जो कहीं ना कहीं आपके पीछे जो है पतंगड़ बनाता रहता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, और ये लोग जानते हैं कि आपकी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर अलग करें अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये लोग जो मेरे लाइफ में हैं, ये मेरे लाइफ में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये लोग जो है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, सक्सेस मुझे हासिल नहीं करने दे रहे हैं, तो उन लोगों से आपको अलग होने की जरूरत है। उन लोगों से आपको डिटैच होने की जरूरत है। जो लोग आपकी बारे में बातें करते हैं तरह तरह की और गॉसिप करते रहते हैं, उनसे अलग हो जाने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में फाइट करना चाहते हैं, फाइट लड़वाना चाहते हैं आप लोगों को, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा स्टक रहो। कुछ ऐसे लोग हैं, और आप अच्छे से जानते हो कि ऐसे लोग कौन है जो आपकी जिंदगी में आपको बांध के रखना चाहते हैं, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके अराउंड घूमते फिरते रहते हैं और जो नेगेटिविटी जो है ना सेंड करते हैं डियर। आपको उनसे दूर रहना है। ठीक है, आपको उनसे दूर रहना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो डियर, आप चाहते हो कि ऐसा डिसीजन लो कि चीजें जो है वो सही हो जाए, राइट पाथ आपको मिल जाए, न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि चीजें जो है वो सही हो जाए। कुछ
करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत हो सकती है डियर। कुछ लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो वाली चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। आप जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, और डियर एक्शन तो यहाँ पर लेना चाहते हो आप, ठीक है। कुछ लोग अपने पैरों पर बहुत जल्द कहीं ना कहीं काम खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ताकि उनको सक्सेस मिले, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और एक्शन लेने वाली भी एनर्जी कुछ लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और आप खुद को बुरे हालातों से निकालना चाहोगे। जब आपके अंदर चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आप खुद इन बुरी सिचुएशनों से बाहर निकलने के बारे में सोचोगे। जैसी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ये इतना सारा प्रॉब्लम जगलिंग वाला, इतना सारा स्ट्रगल, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, इतना ज्यादा बर्डन लेना, ये कहाँ का न्याय है? इतनी ज्यादा फाइट, इतना ज्यादा अकेलापन, ये कहां से? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन तो इनको लेना होगा, एक्शन तो इनको लेना होगा। और जो चेंज यहां पर दिख रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर दिख रहा है, वो बहुत ही अलग दिख रहा है। आप थक चुके हो, इतना स्ट्रगल करते करते, इतनी परेशानियों को झेलते झुलते, आपको लगता है कि आप थक चुके हो, है ना। बहुत दर्द सहा है, बहुत दर्द सहा है, आप थक चुके हो, आपको बहुत प्रेशर डाला गया आपके ऊपर, कुछ लोगों ने बहुत बर्डन डाला है, और आपकी जो थकान है वो इस बात को बताती है कि आपने बहुत कुछ सहा है। आपने इस तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत कुछ सहा है, ठीक है। दर्द सहकर आप थक चुके हो, आपको बहुत प्रेशर में रखा गया, आपके ऊपर बर्डन डाला गया, दब चुके हो आप उस प्रेशर के नीचे, बहुत ज्यादा दबी हुई एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन लोगों ने क्रिएट करके रखी है कि आप जो है अपनी लाइफ खुल के नहीं जी सकते, बहुत बंधा हुआ बंधन में आपको जीना पड़ता है, अपनी लाइफ को लोगों के लिए जीना पड़ता है, बहुत सारे दायित्व आपको निभाने पड़ते हैं, बहुत सारे बंधन आपके बंधे हुए हैं, जिसके कारण आप आगे नहीं सोच पाते हो। सोचते तो बहुत कुछ हो अपनी लाइफ में करने के बारे में, मगर मजबूर हो जाते हो किसी ना किसी दायित्व को निभाने के चक्कर में। आपको इंतजार है कि वो आए, कौन आए, जिसका आपको इंतजार है कि वो आपको प्रपोजल दे, वो आपको कमिटमेंट दे, तो आप चाहते हो कि वो इंसान जो है आपकी तरफ आए, कि वो आए और कब तक आएंगे ये भी आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। हो सकता है कि ये 10 डेज के अंदर आपके साथ में न्याय हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि चीजें जो है वो सही हो जाए, ठीक है। कब, यहां पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। बहुत सवाल हैं आपके मन में, बहुत बहुत सारे सवालों को लेकर आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चे वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, कोई बच्चे को लेकर कोई मिसकैरेज वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, है ना, तो जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपको बहुत टेंशन हो रही है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है। जो भी आपके साथ में हुआ है, जिस भी स्थिति में हुआ है, आपको अपने पार्टनर को लेकर या अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये मेरे साथ में ही क्यों हुआ। ये मिसकैरेज वाली जो एनर्जी है, हर बात हर किसी से रेजोनेट तो नहीं करेगी, पर यहां पर एनर्जी निकली है तो इस बात को बता रही है कि किसी ना किसी का मिसकैरेज हुआ है, और अब आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, बेबी को प्लान करना चाहते हो, और बहुत इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत इलाज करवा रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उपाय भी करे हैं पर कंसीव नहीं हो पा रहा है। चीजें जो है थोड़ी सी रुकी हुई है, चीजें जो है थोड़ा सा ब्लॉकेजेस बहुत है, इंतजार है आपको बेबी का, ठीक है। बताइएगा जिनसे रेजोनेट होता है ना, प्लीज मुझे बताइए आइएगा। और डियर, आपको डिवाइन पर जो है
डिवाइन पर छोड़ना होगा कि डिवाइन जो है बहुत कुछ देख लेगा, डिवाइन जो है बहुत कुछ सही कर देगा, समय आपको सब कुछ देगा। डियर, समय पर अगर आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास रखते हो, तो समय जो है बहुत कुछ देगा, है ना। हील होने की जरूरत है, यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है आपको। आप अपने आप को हील करते हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती है। आपके अपनों से बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, आपके अपनों ने कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हुई है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा झगड़े रहे हैं। और ये भी है कि यहाँ रिश्तों में दरार आई है, रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आई है, भाई भाई में दरार आई है, ये चीज दिखाई दे रही है। आप परेशान हो चुके हो, आप परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, सब ठीक हो जाए ऐसा आप चाहते हो, बताइएगा। ठीक है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है कि आपके काम बनते बनते काम जो है वो बिगड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो कि चीजें जो है वो सही हो जाए, पर चीजें सही नहीं हो रही है, पर उतना हो नहीं पा रहा है। आप परेशान तो रहे हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर, कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं और पार्टनर का अता पता नहीं है। आप परेशान तो रहे हो, आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और डियर आपको लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आपको बहुत सारे सवाल मन में चलते रहते हैं। अपने पार्टनर को लेके यहाँ पर काफी लोग जो हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस के करीब होते हो आप, सक्सेस के करीब आकर भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हारा हुआ फील करते हैं आप, वो दिख रहा है, निराशा हाथ लगती है। डियर, आपको कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा घुटन आपको होती है इस गुस्से के कारण। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। जब देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ना, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, उसमें आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, है ना। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो, क्यों आपके लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप मेरे व्यूवर्स, आप चिंता में हो, अपनी प्रॉब्लम को लेके बहुत सोच रहे हो, बहुत विचार कर रहे हो, और ये प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है। कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, जॉब कब मिलेगी, नौकरी चाहते हो, ऐसे सवाल आपके मन में भी चलते रहते हैं। जॉब चेक करना चाहते हैं। देखिए, आपको लगता है कि आप हालातों के आगे लड़ नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पर आप हालातों के आगे लड़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक चेंज चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से हैंग्ड हो चुके हैं, है ना, बंध चुके हैं किसी बंधन में, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनी एनर्जी को आपको बदलना होगा, चेंज करने की जरूरत है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है। डियर, बहुत से लोग अपनी तरफ, अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, अपनी तरफ, अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, जो गलत हो रहा है उसे रोकना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा भी कर रहे हैं। डियर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ऐसे भी दिखाई दे रही है कि आपके जो लाइफ है अभी बहुत ज्यादा बंधनों में बंधी हुई है, किसी के दबाव में इतना ज्यादा बंधे हुए हो, या फिर आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी रखी गई है, या फिर आप कहीं ऐसे उलझे हुए हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो। तो ये बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक हो, अपने आप में बदलाव चाहते हो, चेंज चाहते हो, चीजों को अलग दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हो, और बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि स्ट्रगल ना करना पड़े, लाइफ जो है पूरी तरह से सेटल हो जाए, ये जगलिंग ना करना पड़े, ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, वो वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि
देखिए, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और यहाँ पर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जब आपको प्रपोजल दे या कमिटमेंट दे तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ में वो आपकी लाइफ में इंटर होए, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस यहाँ पर होगा, आपके साथ में न्याय यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि न्याय यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जस्टिस का मतलब है, और ये थर्ड पार्टी ने जो भी किया करा है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज रखी है, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगी। टावर मूवमेंट है और ये टावर मोमेंट जो है वो सब कुछ तबाह कर रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है और इस टावर मोमेंट के कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। यहाँ पर फाइट वाली सिचुएशन दिख रही है कि फाइट आपके लाइफ में किसी के साथ हो रही है। ठीक है, आपके प्यार को किसी ने ठुकराया है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट करा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।